भादो मास के अंतिम मंगल को बुढ़वा मंगल का पर्व मनाया जाता है। वैसे तो प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धालुओं के द्वारा घरों के साथ मंदिरों में जाकर हनुमान की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन बुढ़वा मंगल पर भगवान की कृपा पाने के लिए भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। औरैया शहर में बुढ़वा मंगल का पावन पर्व आज श्रद्धा भाव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुढ़वा मंगल को लेकर शहर व आसपास के हनुमान मंदिरों में साज सज्जा के साथ मंदिरों में मनमोहक झांकियां सजाई गई हैं। कई मंदिरों में सोमवार से ही श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ शुरू हो गया, जिसका समापन मंगलवार को हुआ। बुढ़वा मंगल के दिन माता अंजनी के लाल व दुग्धाभिषेक करने के साथ विशेष श्रृंगार भी किया गया। इसके अलावा सुंदरकांड का पाठ, भजन कीर्तन, हवन पूजन के साथ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। पिछले बार कोरोना के चलते बुढ़वा मंगल पर मंदिरों के साथ अन्य स्थानों पर कार्यक्रम नहीं हुए, लेकिन इस बार कोरोना का असर कम है और बुढ़वा मंगल को लेकर भक्तों में काफ़ी उत्साह है। हालांकि मंदिरों के महंत व पुजारियों के द्वारा कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए तैयारियां की जा रही हैं, उसी के अनुसार ही भक्तों को दर्शन कराए जाएंगे। साथ ही मंदिरों में परंपरागत ढंग से पूजा अर्चना भी की जा रही है। भादो का लास्ट मंगल मनाते हैं और यहाँ से बरसात भी अंत हो जाती है, क्योंकि अगस्त का उदय हो जाने के बाद बरसात खत्म हो जाती है और किसान भी को तृप्ति नहीं हुई, पानी नहीं बरसा किसी समय में किसी काल में, तो भगवान यानी कि हनुमान जी की कृपा से ये पर्व मनाया गया। तो इससे यानी कि जल की वृष्टि हुई, किसानों के हित के लिए हुआ। इसी सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् बाधा। ये सबके जनहित सुखाय और जनहित हिताय, सबके सुख और हित के लिए भगवान हनुमान जी की उपासना की जाए। हम लोग उसका पालन करेंगे। बिल्कुल, ये जैसा